शिवपुरी लुधावली स्थित गौशाला में एक दिन में आधा दर्जन गायों की मौत, दर्जन भर गाय मरणासन्न स्थिति में। स्थानीय रहवासी बोले, बंद इंतजामियों की वजह से गायों के लिए कब्रगाह बनी गौशाला। शिवपुरी नगर पालिका क्षेत्र के लुधावली में स्थित गौशाला में बुधवार की सुबह एक साथ 6 से ज़्यादा गायों की मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने गायों की मौत के लिए गौशाला के बंद इंतजामियों को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं गायों की मौत की खबर मिलते ही पशु चिकित्सक के साथ गौशाला पहुंची नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने गायों की मौत बीमारी और पॉलीथीन खाने की वजह से होना बताया है। नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने बताया कि इस समय गौशाला में 500 से अधिक गौवंश रह रहा है। नगर पालिका द्वारा इनके लिए चारा पानी और नियमित उपचार की व्यवस्था की गई है। गौशाला में मरी हुई गायों के संबंध में जानकारी हुए नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि ये है वह गाय जो शहर की सड़कों पर बीमारी की हालत में पड़ी हुई थी, जिन्हें गौशाला लाकर उनका उपचार किया जा रहा है, लेकिन पॉलीथीन खाई हुई गायों को उपचार के बाद भी बचाया नहीं जा सका। दीदी, गौशाला में कुछ गायों की मौत हुई है, क्या कुछ मामला, कैसे गायों की मौत हुई? भैया, ये गाय क्या है, हम बाहर से लेके आते हैं बीमार गायों को और यहाँ उनका इलाज करते हैं। इलाज के दौरान बहुत सी गाय अच्छी हो जाती हैं और बहुत सी गायों को हम नहीं बचा पाते तो वो ख़त्म हो जाती हैं। और आज भी ये गाय 3 दिन पहले हम लोग बाहर से लेके आए थे, बीमार गाय थी, डॉक्टर इनका इलाज कर रहे थे। अब इलाज के दौरान डॉक्टर इनको नहीं बचा पाए। और ये बाहर से जो गाय आती हैं भैया, ये क्या है, सड़कों पर पॉलीथीन खा के आती हैं और यहाँ आके भूसा खाती हैं तो उसको हजम नहीं कर पाती और बीमार पड़ जाती हैं। कितनी गायों की मौत हुई है आज? आज हमारी 3 गायों की मौत हुई है और 3 गायों की कल हुई थी। अच्छा, टोटल 6 गायों की मौत। 6 गायों।